इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जयपुर से खबर है। राम मंदिर को लेकर NSUI का कैंपेन चल रहा है, 1 रुपया जुटा रहा है कांग्रेस का छात्र संगठन। कॉमर्स कॉलेज के आज हुई कैंपेन की शुरुआत। जय श्री राम के नारे लगाकर कैंपेन की शुरुआत हुई है, केसरिया झंडे लहराकर ये कैंपेन चलाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जयपुर से खबर, राम मंदिर को लेकर NSUI का कैंपेन चल रहा है, 1 रुपया जुटा रहा है कांग्रेस का छात्र संगठन। कॉमर्स कॉलेज से आज हुई है कैंपेन की शुरुआत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाकर कैंपेन की शुरुआत, केसरिया झंडे लहराकर कैंपेन चलाया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। जयपुर से खबर, राम मंदिर को लेकर NSUI का कैंपेन और 1 रुपया जुटा रहा है कांग्रेस का छात्र संगठन। कॉमर्स कॉलेज से आज हुई कैंपेन की शुरुआत, जय श्री राम के नारे लगाकर कैंपेन की शुरुआत, केसरिया झंडे लहराकर कैंपेन चलाया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से राम मंदिर को लेकर NSUI का कैंपेन, 1 रुपया जुटा रहा है कांग्रेस का छात्र संगठन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कॉमर्स कॉलेज से आज हुई है कैंपेन की शुरुआत, बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जयपुर से खबर, बसंत पांडे हमारे रिपोर्टर फोनलाइन पर। बसंत पांडे, यहां एक मुहिम कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस छात्र संगठन की तरफ से भी चलाई जा रही है और 1 रुपए की मांग की जा रही है। देखिए, आज हालांकि NSUI संगठन की ओर से 1 रुपया राम के नाम कैंप की शुरुआत जो है राजस्थान कॉमर्स कॉलेज से की गई थी। खुद जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी, उनकी ओर से 1-1 रुपए जो है छात्रों से कलेक्ट किए जा रहे थे। हालांकि जब NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता जब कॉमर्स कॉलेज में रैली निकाल रहे थे, उसी दौरान ये कह सकते हैं कि ABP के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और ABP के कार्यकर्ता ने भी जय श्री राम के नारे लगाए और दोनों ही गुट कह सकते हैं आमने सामने हो गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया और लेकिन NSUI के जो प्रदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि NSUI की ओर से बीते 1 महीने से लगातार कैंप चलाया जा रहा था और इस कैंप पर हम खुश हैं कि खुद NSUI भी आगे आया है और राम मंदिर निर्माण के नाम पर अब इस कैंप को चला रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।